स्वागत है आपका डेली वाइड्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 12th बायोलॉजी चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में है और जितने चैप्टर्स हैं इन सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन सेक्शन। पहला सवाल हमें दे रखा है कि बीटी कॉटन जो है, इनमें से जो उपलब्ध हमें कथन दे रखे हैं ऑप्शंस में, उन सब में से वो क्या नहीं है। तो बीटी कॉटन, ये देखिए कितना ही अच्छा खूबसूरत कॉटन की जो प्रजाति है वो कितना ही हेल्दी कॉटन दिख रहा है हमें, राइट। तो ये क्या है क्या नहीं है, तो देखो पहला दे रखा है जीएम प्लांट। ये बिल्कुल जीएम प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, ठीक। इंसेक्ट का रेजिस्टेंट बिल्कुल देता है, बॉलवॉर्म के अगेंस्ट ये काम करता है। बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन सिस्टम, बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन सिस्टम भी बिल्कुल है ये, तभी तो उसके अगेंस्ट में ये काम कर रहा है, बिकॉज पहले से रिकॉग्नाइज रहा है कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ऑल पेस्टिसाइड्स किसने बात कर दी, और यहीं पे आकर के ये गलत स्टेटमेंट हो गया इसके बारे में, क्योंकि ये सिर्फ बॉलवॉर्म से ज्यादा हेल्प करता है उससे लड़ने के लिए, जिसमें कि अलग अलग टाइप के ए बी ए सी जीन्स होते हैं, क्राई वन ए बी क्राई टू ए सी, इस तरीके के जीन्स होते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए ये रजिस्टर करता है कॉटन प्लांट को, उससे ज्यादा नहीं। और जो जीन्स हैं जिसके अगेंस्ट ये काम करता है, दैट इज क्राई वन ए सी क्राई टू ए बी एंड देन क्राई वन ए बी, इस तरीके से ये काम करता है। क्राई हम बोलते हैं क्रिस्टल को, ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल दे रखा है कि सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज, इंसुलिन हमें पता है क्यों हम यूज करते हैं, तो अब सी पेप्टाइड की क्या बात हो रही है। तो ये देखो, ये है सी पेप्टाइड, दिस येलो पोर्शन, इसको मोती समझ लो, तो इन मोतियों को हम कहते हैं सी पेप्टाइड, ठीक है। तो अब ये सी पेप्टाइड ह्यूमन इंसुलिन का पार्ट है या नहीं है, क्या है ये हमें बताना है। तो देखो जब भी यहाँ से, यहाँ देखो डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं और ये पिंक और पर्पल वाला जो इंसुलिन है, दिस इज कॉल्ड एज मेच्योर इंसुलिन और दिस टोटल सीक्वेंस इज कॉल्ड एज इंक्लूडिंग सी पेप्टाइड, इसको हम कहते हैं प्रो इंसुलिन या फिर इसको कहते हैं इमेच्योर इंसुलिन। अभी ये मेच्योर नहीं हुआ है, यूज करने के लिए नहीं आया है, ठीक है। तो पहले अभी तक जो मैंने बताया उसके हिसाब से अगर ऑप्शन ए पढ़े तो अ पार्ट ऑफ मेच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल, गलत हो गया ये स्टेटमेंट, ये गलत है, ये नहीं है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस, अब देखो डाइसल्फाइड ब्रिजेस क्या सी पेप्टाइड की वजह से बन रहे हैं, ये तो बन रहे हैं कहाँ पे, ए चेन में और बी चेन में, सी पेप्टाइड में तो ये बन भी नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया। देन थर्ड दे रखा है रिमूव ड्यूरिंग मेच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, यही सही स्टेटमेंट है इसके बारे में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीईएसी स्टैंड्स फॉर, दैट स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। तो अब यहाँ पे देखो अप्रेजल एक वर्ड यूज कर दिया है, तो अब अप्रेजल एंड अप्रूवल इज सिमिलर टर्म्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेंचर है जिसके अंतर्गत जितने भी जेनेटिक इंजीनियर्ड किए हुए प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या उनसे जो भी चीजें आ रही हैं या उसको हम किस तरीके से कर रहे हैं, इन सब का रखरखाव, ध्यान देना, मार्केटिंग अप्रूवल करना और उनको अप्रूव करना टू द पॉइंट जहाँ पे कि वो आके मार्केट में मार्केट किए जाए और साथ ही उनको आगे बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें इस कमिटी का काम होती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर दे रखा है कि अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन इज यूज टू ट्रीट इम्फाइजिमा, इम्फाइजिमा एक डिजीज है, उसके ट्रीटमेंट में ये काम आता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अ प्रोब विच इज अ मॉलिक्यूल यूज टू लोकेट होमोलोगस सीक्वेंस इन अ मिक्सचर ऑफ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल। देखो होमोलोगस सीक्वेंस दे रहा है कि होमोलोगस सीक्वेंस है जो कि डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल का है, जो वो किस तरीके से लोकेट करेगा, तो वो किसको लोकेट करेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर डीएनए है तो डीएनए को लोकेट करेगा, आरएनए है तो आरएनए को लोकेट करेगा, दोनों में से किसी को भी लोकेट कर लो उसका काम हो जाएगा, जिस भी चीज के लिए उसको हमने इंट्रोड्यूस किया है।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दे रखा है हमें सवाल कि इनमें से कौन सा ऑप्शन रेट्रोवायरसेस के लिए सही है। तो रेट्रोवायरस का स्ट्रक्चर हम कई बार देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं कि ये है एक टिपिकल रेट्रोवायरस का स्ट्रक्चर, जिसके जो ऊपर के इनवेलप है प्रोटीन्स और लिपिड के बने हुए होते हैं, ठीक है। फिर इसके कोर में इस तरीके की लिक्विडी सब्सटेंस होती है, एंड वायरल आरएनए होता है इसके पास, और इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में हमने बात भी करी है, वहां पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में बात हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं उसको। एंड देन यहाँ पे हम सवाल पे आए हैं दी, तो क्या दे रखा है हमें कि ये डबल स्ट्रैंडेड, डीएस मीन्स डबल स्ट्रैंडेड और एसएस मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड, जो यहाँ पे दे रखा है एसएस एंड डीएस। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, तो ये देखो कहीं पे ये हमें डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है, नहीं है ना, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही आउट हो गया। देन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, डीएनए भी नहीं है इसके पास। देखो रेट्रो वायरस है, तो रेट्रो मतलब कि अपोजिट, इसको इस तरीके से मान लो कि अपोजिट वाला वायरस है, जो भी जैसा भी ये वायरस है तो ये अपोजिट का काम कर रहा है। तो अपोजिट में ये क्या करता है वो देखते हैं। फिर ये दे रखा है डीएनए वायरस दैट सिंथेसाइजेस आरएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन। डीएनए वायरस है जो कि आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है, तो ये क्या डीएनए वायरस है, ये आरएनए वायरस है, वायरल आरएनए होता है इसके पास, जो कि क्या सिंथेसाइज करता है, डीएनए सिंथेसाइज कर देता है जब इन्फेक्शन होता है। और इसी वजह से यहाँ पे इसके पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो वहां पे जो उस पूरे ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस में जितने भी इंजाइम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डीएनए से आरएनए को बना रहे हैं, पर यहाँ पे क्या बन रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो रिवर्स हो रहा है कुछ, तो वहां पे जो इंजाइम है उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल दे रखा है द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन बॉडी। एडीए क्या है, एडीए इज एडेनिन डीएमिनेज, ठीक है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन लिम्फोसाइट्स, ये प्रोड्यूस हो रहा है लिम्फोसाइट्स में, ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रोटॉक्सिन क्या होता है, प्रोटॉक्सिन ये क्राई क्रिस्टल फ्रॉम बीटी, जिसको हम क्राई बोल रहे थे, बीटी यानी बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, वहां से प्रोटॉक्सिन आ रहा है जो कि ट्रिप्सिन मिल रहा है, और ये एक्टिवेट हो रहा है टॉक्सिन मिलने के बाद डीएनए कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और ये इंसेक्ट के यहाँ देखो मिडगट ऑफ इंसेक्ट, डीएनए इन मिडगट ऑफ इंसेक्ट जाके वर्क कर रहा है और क्राइटॉक्सिन रिलीज कर दे रहा है। तो ये क्या है, दैट इज अ इनएक्टिव टॉक्सिन, ये एक इनएक्टिव टॉक्सिन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोफिजियोलॉजी इज, पैथोफिजियोलॉजी नाम से ही मोटा मोटी आइडिया लग रहा है कि फिजियोलॉजी है उसकी बात हो रही है, तो द स्टडी ऑफ अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, अल्टर्ड यानी आफ्टर चेंजिंग, कुछ हम चेंज उसमें कर रहे हैं उसके बाद जो हम स्टडी कर रहे हैं उस होस्ट की, उसको हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं। द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन्स ऑफ बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस इज, अभी हमने बात करी कि वो किस तरीके से ट्रिगर होता है, तो दैट इज ट्रिगर्ड बाय एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, और किसका गट है, ये है इंसेक्ट का गट। अभी पीछे भी देखे तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना, डीएनए इज इन मिडगट ऑफ इंसेक्ट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। गोल्डन राइस के बारे में बात हो रखी है कि गोल्डन राइस क्या है, तो ये देखो ये है गोल्डन राइस, और ये क्या होता है, अ राइस हैविंग अ जीन फॉर बीटा कैरोटीन, उसकी वजह से ये ट्रांसजेनिक एक राइस है जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, जिसमें बीटा कैरोटीन जीन जो होता है इनहेंस करता है क्वालिटी ऑफ राइस की जो क्वालिटी है उसको इनहेंस कर देता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आरएनए आई, यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बात हो रही है कि जो जीन है वो साइलेंट कर देता है आरएनए को, कैसे, तो दैट साइलेंसेस द आरएनए बाय मेकिंग आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड में रहता है तो एक्सप्रेस होता है, और उसको ये डबल स्ट्रैंडेड कर देता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म करके, और आरएनए जो जीन एक्सप्रेस होना चाहिए था वो नहीं होता है। और ये किस लिए यूज किया जाता है, ये नीमैटोड के अगेंस्ट यूज किया जाता है, पैरासाइट सॉरी पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के, सॉरी पेस्ट रेजिस्टेंट
प्लांट बनाने के लिए, बिकॉज निमेटोड है तो वो बेस्ट है, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, पहली जीन थेरेपी हमने किसके लिए की थी, एंड दैट इज फॉर स्किड, स्किड के लिए की गई थी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी रिजल्ट फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ एडीए, एडीए के अगेंस्ट की थी हमने 4 साल की बच्ची में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीए इज एन एंजाइम विच इज डिफिशियंट इन जेनेटिक डिसऑर्डर स्किड, ठीक है, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीए। अभी अभी बताया मैंने कि एडिनोसिन डी एमिनेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ, जीन की साइलेंसिंग हो रही है, मतलब कि जीन का एक अपना एक्सप्रेशन है जो कि डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए का फिर ट्रांसलेशन होना, प्रोटीन का बनना, उसके थ्रू एक जीन का, पर्टिकुलरली किसी भी जीन का एक्सप्रेशन होता है, तो उसको साइलेंट करना है तो वो कैसे होगा, दैट विल बी कि ये देखो ये आरएनए मॉलिक्यूल है, इसको हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जिसको एंटीसेंस बोलते हैं, और इसको हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और ये दोनों का दोनों दोनों साइड मिलकर के ये डीएनए जैसा स्ट्रक्चर इसने हेलिक्स फॉर्म कर दिया, डबल स्ट्रैंडेड, आगे वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो दैट इज बाय बोथ आरएनए आई यानी आरएनए इंटरफेरेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, जो एक सेंस आरएनए है, दिस वन इज सेंस आरएनए, इसको हम सेंस आरएनए कह रहे हैं, और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री जब हम बना देते हैं इधर तो इसको हम कहते हैं एंटी सेंस आरएनए, ठीक है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, कि अभी हमने बहुत सारी फूड क्राइसिस देखी है, माइंड यू कि यहाँ पे फूड क्राइसिस की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ये टर्म का मतलब दूसरा है, अभी आपने न्यूज में देखा होगा कुछ दिन पहले श्रीलंका का फूड क्राइसिस की बात हो रही है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉपिक, वहां पे कुछ और बात हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स पे बात हो रही है, यहाँ पे नॉर्मली फूड क्राइसिस की बात हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो फूड की क्राइसिस हो गई है, तो हमें एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिमिटेशंस क्या है, जो पुराना वाला ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसका कुछ लिमिटेशन क्या है वो हमें बताना है, तो दैट इज कि कुछ अनडिजायर्ड कैरेक्टर या जो डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ, डिजायर्ड वन जितने भी थे हमारे ब्रीड, उसके साथ भी वो ब्रीड हो गया था, आगे बढ़ गया था, एंड देन सॉइल की फर्टिलिटी क्वालिटी और इफेक्ट हुई थी फर्टिलाइजर्स की वजह से, और साथ ही एक्सटेंसिव यूज हुआ वीडीसाइड और पेस्टिसाइड का, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे हार्म हुआ, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हुआ इन्वायरमेंट पे, आसपास की वाटर बॉडीज भी पॉल्यूटेड हो गई हैं, तो एक बेशक एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें चाहिए, आने वाले समय में हमें जो फूड क्राइसिस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है इससे फाइट करने के लिए हमें चाहिए तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, बट ये जो 3 पॉइंटर्स हैं इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है, ताकि फूड का प्रोडक्शन इन्हेंस हो, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़े फूड प्रोडक्शन की, और साथ ही जो लैंड रिसोर्स है वो हमारे पास अब लिमिटेड है, तो लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज में ही हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज कर जाए, कुछ ऐसा ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें अब लाने की जरूरत है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड जीएमओ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हाइब्रिड, तो जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और ये हाइब्रिड से अलग ऐसे होता है कि उनके पास रिकॉम्बिनेंट, हाइब्रिड में रिकॉम्बिनेंट जीनोम होता है और एलील्स प्रेजेंट होते हैं सेम पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज में, लेकिन जीएमओ एक से ज्यादा जीन्स रख सकते हैं, ठीक है, और वो इंटायरली डिफरेंट स्पीशीज भी बन जाते हैं और जेनेटिकली अल्टर किए जाते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है उस बेसिस पे जाके हमने उसको अल्टर कर दिया है, ठीक है, और हाइब्रिड में क्या हो रहा है कि वो अपना तो जो उनके पास है सो है ही, उसमें रिकॉम्बिनेंट जीनोम भी डाल दिया गया है, और जीएमओज में क्या हो रहा है कि वो एक अलग तरीके की स्पीशीज ही बना दिए जा रहे हैं, जैसे कि बीटी कॉटन, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें डिफरेंशिएट करना है डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक्स में, और एक एक एग्जांपल देना है हर कैटेगरी का। तो डायग्नोस्टिक वो होता है जो किसी भी चीज को हम डायग्नोज करते हैं, इधर इट इज डिजीज और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कि डायग्नोज करने में हेल्प करता है, तो सबसे पहले डिजीज के एग्जाम्पल में देख ले हम विडाल टेस्ट जो टाइफाइड के लिए करते हैं, और दूसरा ग्रेविंडिक्स टेस्ट होता है जो प्रेगनेंसी को बताता है कि प्रेगनेंसी होल्ड हुई है या नहीं, तो जितने भी ये टेस्ट किट्स आते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट किट वो ग्रेविंडिक्स टेस्ट होते हैं, ठीक है। चलो फिर थेरापेटिक्स के बारे में देखते हैं कि थेरापेटिक्स क्या होता है, वो हेल्प करता है किसी भी ट्रीटमेंट में, थेरेपी वहां से वर्ड आया थेरापेटिक, ठीक है, तो ये हेल्प कर रहा है ट्रीटमेंट में, जैसे कि एंटीबायोटिक्स है उसको हम कहते हैं थेरापेटिक ड्रग। चलो आगे बढ़ते हैं,
एलिसा का फुल फॉर्म बताना है हमें, और साथ ही बताना है कि कौन सा डिजीज डिटेक्ट करता है और साथ ही ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो एलिसा स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट एसे, ठीक है। अब ये डिटेक्ट करता है एचआईवी को और साथ ही ये प्रिंसिपल पे काम करता है जिसको एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन कहते हैं। दोनों में क्लंपिंग होती है और हमें पता चलता है इंटरैक्शन, और जो वो बना होता है कोई भी डिटेक्शन के लिए वो उस मोड में काम करता है। और ये किस तरीके से डिटेक्ट करता है, तो प्रेजेंस ऑफ जो एंटीजन होता है और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज बाय होस्ट अगेंस्ट द पैथोजन। कोई भी पैथोजन आया है उसके अगेंस्ट बॉडी ने कौन सा एंटीबॉडी या फिर एंटीजन, कौन सा एंटीजन इंटर हुआ है, ये दोनों को डिटेक्ट करता है और इस तरीके से पता चलता है। एंड व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म, ये ध्यान रखने वाली बहुत ज्यादा बात है बिकॉज ये एचआईवी का एक डिटेक्शन है, राइट। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ डिजीज बी डिटेक्टेड बिफोर इट्स सिम्टम अपियर्स, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व। यस, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाई यूजिंग पीसीआर। पीसीआर अगर हम कर दें तो पीसीआर बहुत ही सेंसिटिव काइंड ऑफ एक ऑपरेशन है जो हम करते हैं किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, फ्री न्यूक्लियोटाइड को बहुत ज्यादा बार एम्पलीफाई कर देता है। तो जैसे ही एम्पलीफिकेशन होता है तो सिम्टम्स अकर हो उससे पहले जो भी वहां पे अल्टरिंग हुई है वो अल्टर पता चल जाता है। सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो द डिजीज बिफोर इट्स सिम्टम्स अपियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोपायरेसी के बारे में और हाईलाइट करना है एक्सप्लोइटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाई द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारे ऐसी इस तरीके की, और डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत सारी खींचातानी चलती है बायोपायरेसी को लेकर के। देखते हैं बायोपायरेसी क्या है। तो बायोपायरेसी एक ऐसा टर्म है जो यूज किया जाता है बायो रिसोर्सेज के लिए, राइट, जो मल्टीनेशनल कंपनीज यूज करती हैं। और यहाँ पे हमें जिसके पास जो चीजें होती हैं वो उसकी अपनी है, उनसे बिना पूछे हुए यूज करना किसी और कंट्री द्वारा, उसको हम बायो पायरेसी कहते हैं, ठीक है। पायरेट्स वो, और बायोलॉजिकल चीज को यूज किया जा रहा है, दैट इज फॉर बायो पायरेसी। और अगर इस तरीके का बिना पूछे हुए, बिना मतलब बताए हुए कि मैं तुम्हारा प्रोडक्ट यूज करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ या हम करने जा रहे हैं फॉर द लार्जर स्केल, माइंड यू फॉर द लार्जर स्केल अगर यूज किया जा रहा है बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, तो फिर उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा हैवी टैक्सेस और फाइन चार्ज किया जाता है जो उनको देना भी पड़ता है, ठीक है। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइज नेशन आर रिच फाइनेंशियली, वो फाइनेंशियली रिच है लेकिन बायोडाइवर्सिटी वाइज और ट्रेडिशनल नॉलेज वाइज वो बहुत ही वीक है। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो डेवलपमेंट, जो डेवलपिंग कंट्रीज जिनको भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में कि बायो पेटेंट नाम की भी कोई चीज होती है जो हमारी है वो हमारी रहेगी, दूसरा यूज नहीं कर सकता है उसको, तो अगर वो यूज करता है तो वो बायो पायरेसी के अंतर्गत आता है। वो उनके नॉलेजेस को इस तरीके से बेकार तरीके से यूज कर लेते हैं अपने फायदे के लिए, उसी को हम कहते हैं बायो पायरेसी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर मेनी प्रोटीन्स आर सिक्रीटेड इन देयर इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। और एक्सप्लेन हाउ द मैकेनिज्म इज यूजफुल फॉर द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग द टॉक्सिन, किस तरीके से उनको फायदा होता है। तो जो एक्टिव होता है कोई भी इनएक्टिव फॉर्म में, जो प्रोटीन होता है टॉक्सिन होता है दूसरे के लिए, वो एक स्पेसिफिक पीएच पे, टेम्परेचर पे ही एक्टिवेट होता है, ठीक है। दिस इज एडवांटेजियस टू द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट गेट किल्ड बाय द एक्शन ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द टॉक्सिन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मरते नहीं है लेकिन जहां पे उनको यूज किया जाता है, जहां पे अप्लाई किया जाता है वो मर जाते हैं, ये उनका फायदा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वाइल क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जेनेटिक बैरियर्स आर नॉट रिस्पेक्टेड, दिस कैन बी डेंजरस इन लॉन्ग रन। बिल्कुल, कैसे, ये कैसे डेंजरस है। तो जीएम ऑर्गेनिज्म जो है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, उनके जो रिजल्ट होंगे वो अनप्रिडिक्टेड होंगे। हमने देख रेख में किया है बहुत सारी चीजें जो इंट्रोड्यूस की हैं उसके बॉडी के अंतर्गत, बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियली प्रोवाइडेड
इकोसिस्टम मिला है उसको जहाँ पे उसने काम किया है, लेकिन जैसे ही उसको हम एक नेचुरल इकोसिस्टम में रिलीज करते हैं, उस जीन मैन्युपुलेशन की वजह से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से, या फिर इकोसिस्टम के अलग दूसरे कॉम्पोनेंट्स के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करने वाले हैं, ये बिल्कुल कहना मुश्किल है। तो यहाँ पे जो जेनेटिक बैरियर्स होते हैं उनको हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और साथ ही लॉन्ग रन में आज नहीं कर रहे हैं लेकिन मे बी आफ्टर 30 ईयर्स और मे बी 50 ईयर्स जब हम उस ऑर्गेनिज्म को छोड़ेंगे एक इन्वायरमेंट में, नेचुरल इकोसिस्टम में, तब वो जाके इंटरेक्ट करेगा, तब वहाँ पे वो क्या करने वाला है, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ये हमें नहीं पता है। तो ये इस तरीके से डेंजरस है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाई हैज द इंडियन पार्लियामेंट क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द कंट्रीज पेटेंट बिल? सेकेंड अमेंडमेंट क्यों किया है? सेकेंड अमेंडमेंट क्या कहता है कि प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर बायो रिसोर्सेज, जो ऑथराइज्ड नहीं है उनको प्रिवेंट करता है, साथ ही ट्रेडिशनल नॉलेजेस दूसरी कंट्रीज जो हमसे एक्वायर करके काम ना कर लें, इन सारी चीजों को पे भी वो ध्यान रखता है। और इसलिए ये जो बिल है ये पेटेंट के टर्म्स पे और रिसर्च के टर्म्स पे बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट माना जाता है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज भी यूज कर सकती हैं नॉलेजेस को अपने फायदे के लिए, तो फायदा नॉलेज हमारा फायदा किसी और को मिल रहा है, राइट? तो ये पेटेंट वाला टर्म होना बहुत जरूरी था, इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया और कंट्री में नया बिल पास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Give any two reasons why the patent on basmati should not have given to an American company. अब अमेरिकन कंपनी ने क्या किया कि एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी चावल की बनाई जिसको उन्होंने बासमती कह के वर्ल्ड में पेटेंट कराना चाहा, लेकिन इंडिया ने उसको स्ट्रांगली डिनाई किया और कहा कि बासमती राइस हमारा अपना है, इंडिया में पता नहीं कब से ये ग्रो किया जा रहा है, जो वो गंगा यमुना का दोआब रीजन है मध्य प्रदेश वाला, वहां पे बहुत टाइम से यूज किया जा ग्रो किया जा रहा है, जो हमें खुद भी याद नहीं है कि कब से वो किया जा रहा है। तो दैट इज आर ओन, मतलब हमें नहीं पता, जब तक हमारी एग्जिस्टेंस है तब से वो चावल हम खा रहे हैं, और उसको आप एक नई वैरायटी दूसरे किसी इंडियन वैरायटी से क्रॉस करा के बना रहे हो और उसको नया पेटेंट करा रहे हो, दिस इज नॉट डन, क्योंकि वो पुराना पहले से मेरा है, तो नया भी आप जो बनाओगे वो मेरा ही होगा, ठीक है? मेरे वाले से क्रॉस करके आपने बनाया है नया वैरायटी का चावल। तो पेटेंट की जो राइट है वो बासमती का, वो सिर्फ इंडियन के पास, इंडियन जो बासमती है सिर्फ उसी का होना चाहिए, दूसरा कोई भी बासमती जो बन रहा है वो दूसरी चीजें हैं, लेकिन जो इंडियन वैरायटी है उसका बासमती का जो पेटेंट है वो इंडिया के पास ही रहना चाहिए, ठीक है? और ये डिराइव भी कहाँ से किया गया था, इंडियन जो बनाते हैं उन सारे चावलों से डिराइव किया हुआ था, इसीलिए और उनको ये पेटेंट नहीं मिल सकता था। और यहाँ के बाद से फिर हल्दी के ऊपर भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, और उसके बाद से इंडिया इस चीज को चेत गया कि पहले हमें अपना पेटेंट लॉ जो है उसको ठीक करने की जरूरत है वर्ल्ड में, वरना रिकग्निशन नहीं मिलेगी, राइट? नाउ इट इज लाइक दैट कि इंडियन राइस के नाम से वर्ल्ड में बासमती बिकता है और बहुत ही ज्यादा खरीदा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ वॉज इंसुलिन ऑब्टेन्ड बिफोर द एविडेंट ऑफ आर, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वॉट वर द प्रॉब्लम्स इनकाउंटर? पहले इंसुलिन मिलता था पैनक्रियाज से, अब किसका पैनक्रियाज? स्लॉटर्ड, यानी मारे हुए कैटल और पिग की मदद से हम उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन निकालते थे। अब ये इंसुलिन क्या करने लगा, क्योंकि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड नहीं है, बहुत ही रॉ फॉर्म में है, तो बहुत सारे एलर्जी और साथ ही फॉरेन प्रोटीन से इंटरैक्शन और रिएक्शंस बॉडी में शुरू हो गए थे जिन भी पेशेंट्स को ये दिया जाता था, राइट? तो दिस वॉज समथिंग वेरी हॉरिबल, हमें नहीं पता अभी हम जो दवा लेने वाले हैं उसका इफेक्ट क्या होने वाला है बॉडी पे। दिस वॉज समथिंग लाइक दैट, दवा नहीं लेंगे तो भी मरेंगे, दवा लेंगे तो उसके बाद हमें क्या होगा हमें नहीं पता, तो इट वॉज समथिंग वेरी डेंजरस। नाउ इट इज क्वाइट सेफ वाइल यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग डिजीजेस, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल। डिजीजेस के रिस्पेक्ट में ट्रांसजेनिक मॉडल हमारी क्या मदद कर सकते हैं? सबसे पहले तो बेसिक साइंस रिसर्च के लिए वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे रोल ऑफ जीन हम और डेवलप जो हो रहा है डेवलपमेंट उसमें
वो सारी चीजें हम देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल्ड वे में करा सकते हैं। साथ ही कोई दवा अगर दी जा रही है तो उस दवा का असर क्या हो रहा है वो हम देख सकते हैं, वो दवा किस तरीके से डेवलप हो रही है बॉडी में वो सारी चीजें मॉनिटर कर सकते हैं। मेडिसिन को लार्ज क्वांटिटी में और ह्यूमन प्रोटीन्स को लार्ज क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस करा सकते हैं। और साथ ही जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स हैं वो उनको उन जीएम जो सॉरी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं कि ट्रांसप्लांट ऑर्गन को सोर्स के ट्रांसप्लांट ऑर्गन की सोर्स के तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी थी और ये क्यों इंट्रोड्यूस, मतलब उसमें कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वॉज रोजी और उसमें अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन नाम का जीन इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कि उस गाय का दूध जो था वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड हो गया था, जो नॉर्मल काउज हैं उनके मिल्क के सामने वो दूध जो था वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड हो गया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीसीआर इज अ यूजफुल टूल फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेस, इलैबोरेट। सेम वही सवाल है कि पीसीआर अगेन वही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सेंसिटिव टाइप का टेक्निक है जिसमें एम्पलीफिकेशन होता है डिजायर्ड काइंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट का और लिमिटेड अमाउंट ऑफ डीएनए टेम्पलेट उनको हम प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। ठीक है, जब एम्पलीफाई हो गया तो डिटेक्शन पॉसिबल हो जाता है कि उसमें गड़बड़ी कहाँ पे आ रही है। ठीक, बस इतना ही होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is GEAC and what are its objective? अभी हमने देखा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी है वो, और इसके ऑब्जेक्टिव है कि वैलिडिटी प्रोवाइड करना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, और साथ ही सेफ्टी और जो पब्लिक सर्विसेज हैं उन सब में GMOs का क्या रोल है उन सबको इंस्पेक्ट करना, ये GEAC का काम है। Now moving to the next question, which Indian variety of rice have patent was filed by US company? Basmati rice, Indian basmati. Next, discuss the advantages of GMOs. बहुत सारे हैं, जैसे कि food crops जो shorter cycle, उनके जो cycle होते हैं बहुत short होते हैं, resistant होता है insect का diseases का, high yielding varieties होते हैं, nutritional values ज़्यादा होती हैं, जैसे कि अभी हमने राइस के बारे में बात की कि बीटा कैरोटीन उसमें इंक्रीज कर दिया गया था, गोल्डन वीट के बारे में बात होती है, सो ये सब है। देन जीएमओ एनिमल्स जो है इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन और साथ ही न्यूट्रिटिव वैल्यूज को, और WHO ऐसा क्लेम करता है कि जो जीएमओज होते हैं प्लांट या फिर एनिमल कोई भी है वो फूड प्राइसेस को ड्रॉप कराने में बहुत ही ज्यादा अबंडेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।